अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जुबैरुद्दीन सैयद। जी हाँ, आज के वीडियो से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही देखा आपने, पावर पॉइंट जैसे ही आप ओपन करोगे उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। पहले समझते हैं पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में हमने इससे पहले की सीरीज में देखा कि लेटर राइटिंग और अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ काम करना हो तो हम एक्सेल और वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन आपको कुछ एनिमेशन टाइप अगर आपके प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करना होता है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का ये एक हिस्सा है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जैसे ही आप ओपन करोगे ये कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस नजर आएगा। मैं इस सीरीज में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के ट्यूटोरियल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कवर करने की। ये इंट्रोडक्शन का एक वीडियो है, आप इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिए। मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको इसमें देने जा रहा हूं। जैसे ही पावर पॉइंट आप ओपन करते हो आपके सामने उसका कुछ इंटरफेस इस तरह नजर आता है। जी हाँ, ये जो आपको नजर आ रही है इसको हम स्लाइड कहते हैं, यानी कि ये आपका वर्किंग एरिया है, इसी के ऊपर हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये वर्क होगा। साथ में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो ये आपको नेविगेशन बार मिलेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्लाइड्स है, यानी कि ये जो आपकी स्लाइड्स है ये मोर देन वन है, तो आपको एक के नीचे एक आपकी नेविगेशन पर ये स्लाइड्स आपको नजर आएंगी। जी हाँ, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे यहां पर तो ये जो नजर आ रहा है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब सेव करते हो तो उसका जो नाम होता है वो यहाँ पर ऊपर नजर आता है, इसलिए इसको हम टाइटल बार कहते हैं। साथ में नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजैक्शन एंड मेनी मोर, ये जो है इसको हम टैब्स कहते हैं, या हम इसे मेनू बार भी कह सकते हैं। तो ये हमारे मेनू बार्स हैं। साथ में जो भी मेनू पे हम क्लिक करते हैं नीचे उसके रिगार्डिंग हमको प्रॉपर्टी यानी कि उसके ऑप्शंस नजर आते हैं, इसको हम रिबन कहते हैं। जी हाँ, इसे हम रिबन कहते हैं। जैसे डिजाइन पे क्लिक किया तो डिजाइन से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, जो मेनू सब मेनूज हैं, वो आपको यहाँ पर रिबन के ऊपर नजर आएंगे। तो ये हमारी रिबन हो गई। सिंपली बाय डिफॉल्ट होम बटन जो है, होम टैब जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इसके ऊपर जो नजर आ रहा है रिबन के ऊपर, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है टेक्स्ट के रिगार्डिंग, और जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके सारे ऑप्शंस यहाँ पर नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक टू ऐड नोट्स। जी हाँ, अगर आप जो स्लाइड्स बना रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ समरी अगर आपको लिखनी हो तो आप क्लिक टू ऐड नोट्स पे क्लिक कर यहाँ पर समरी लिख सकते हैं। साथ में अगर आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स आपको मिलेंगे, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और एक एक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ पर होम टैब पे क्लिक कर आपको न्यू स्लाइड में जाना है, यहाँ पे टेम्पलेट मिलेंगे। अगर आपको ब्लैंक स्लाइड लेना हो तो आप ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए नेविगेशन में आपकी दो स्लाइड आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे ये बटन पर देखिए, पहला जो है नॉर्मल नजर आ रहा है आपको, दूसरा जो बटन है आपका स्लाइड सॉलिटर है। देखिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ स्लाइड सॉर्टर पर, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपका जो व्यू है कुछ चेंज हो जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में कितनी स्लाइड्स है वो आपको यहाँ पे शो करेगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए, और जिस भी स्लाइड के ऊपर आपको वर्क करना हो उस स्लाइड्स के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, वो स्लाइड सिंपली जो है वो बड़ी हो जाएगी। ये सेकेंड स्लाइड है, ये हो गया हमारा स्लाइड सॉर्टर। उसके बाद जो है स्लाइड शो। जी हाँ, स्लाइड शो से पहले है रीडिंग व्यू। अगर आपको अपने स्लाइड्स को रीडिंग व्यू में देखना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके रीडिंग व्यू में देख सकते हो, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप उसको क्लिक करके एंड कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद है स्लाइड शो, यानी कि आप जब अपने स्लाइड के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हो उसके बाद उसको बिग स्क्रीन पे देखना हो तो आप स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्लाइड शो कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर अभी कुछ बना हुआ नहीं है इसलिए स्लाइड जो है हमको यहाँ पर पूरी तरह से व्हाइट नजर आ रही है। इंशाल्लाह हम आगे इसके ऊपर वर्कआउट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सिंपली स्लाइड शो को क्लिक करने के लिए यानी कि बंद करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करते हुए आना है।
उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा जूम स्लाइडर। देखिए जूम स्लाइडर, यहां पर आप स्लाइड्स को छोटा करके देख सकते हैं, मिनिमम 10% और मैक्सिमम जो है यहां पर 400% पर आप इसको अपने प्रोजेक्ट को जूम इन जूम आउट कर देख सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है पावर पॉइंट का। इंशाल्लाह हम बिगनर्स में जो है बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको पूरा सिखाने की। साथ में इसमें स्क्रॉल बार भी आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप पेज को स्क्रॉल डाउन अप और डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि आपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। दोस्तों इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।